जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी एकदम ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप अभी CGL का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लेकर के आए हैं जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 9 तारीख का, फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का कुछ सवाल। दोस्तों, इसमें 9 तारीख का जो पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, ये तो सवाल रहेगा ही रहेगा। इसके अलावे भी हम अपने तरफ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे जो कि अभी जो आप एग्जाम देने वाले होंगे यदि, तो उसके लिए क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। देखिए, सवाल क्या पूछा है, ये सवाल दिया है कि दी गई आकृति को मोड़ करके एक घन बनाया गया है, क्यूब बनाया गया है, ठीक है। तो पूछा है कि यहाँ पर ये देखिए साइन दिया है, चिन्ह दिया है कि यहाँ पर भाग के विपरीत क्या चिन्ह आएगा, ठीक है। ये एक क्या है, डाइस है, ठीक है। इसमें यह पूछा है कि क्या आएगा भाग के विपरीत, तो इसमें होता है क्या कि ये जो होता है ना, इसका उल्टा ये होता है, इसका विपरीत ये होता है, एक को छोड़ करके, इसका ये हो गया एक को छोड़ करके, ये देखिए ये साइड में इधर है, ये साइड में इधर है, तो इसका उल्टा ये होता है, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या है पूछा है, भाग पूछा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि स्टार हो जाएगा। यदि आपके ऑप्शन में स्टार दिया होगा तो आप शायद बना लिए होंगे, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये सवाल को यहाँ पर दिया है कि 3, 12, 30, 57, 93, 138, 192, तो अगला क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई ना कोई एक यहाँ पर पुटअप होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि या तो जोड़ घटाओ गुना भागा स्क्वायर क्यूब ये सब करके इसमें चेक किया जाता है। चलिए सबसे पहले इसका हम देखते हैं इसके बीच का अंतर क्या है, तो इन दोनों के बीच का अंतर मिल गया 9, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर देखा तो मिल गया 18, इन दोनों के बीच का अंतर देखा तो मिल गया 27, फिर इन दोनों के बीच का, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 9, 9 × 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ रहेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, 45 मिला, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, 9, 9 × 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, तो अगला क्या होगा, 9 × 7 = 63, ठीक। यानी कि 9 का टेबल पढ़ते जा रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस इनको इसमें जोड़ देंगे, 192 में 63 को जोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 255, किसमें है, तो C4 चेन्नई विल बी राइट आंसर। आता है अगले सवाल पर। अरे दोस्तों, देखिए इस सवाल को, दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि SSC CGL में इस तरह का सवाल पूछता है, इस तरह का सवाल आपका CHSL में भी पूछ सकता है, MTS में भी पूछ सकता है, फिर LDC के सवाल में, मतलब LDC UDC या RPF किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए दिया है कि यदि प्लस का अर्थ भागा हो, गुना का अर्थ माइनस हो, फिर भागा का अर्थ गुना हो और माइनस का अर्थ प्लस हो, तो ये जो दिया ना, इसका यम मतलब निकालेंगे तो बराबर में क्या आएगा। दोस्तों एकदम आराम से देखिए, यहाँ पे 30 लिख दिया, क्या बोला, प्लस का अर्थ भागा हो, यानी कि इसके जगह पे करेंगे भाग 5, फिर गुना है, क्या दिया है, गुना का अर्थ माइनस हो तो -2, फिर क्या है, भाग, भाग का अर्थ गुना हो, भाग का अर्थ क्या हो, गुना हो, तो यहाँ पे गुना दे करके 8, और फिर दिया है कि माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, +4, बस। देखिए ये भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6, फिर देखिए माइनस, इन दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, फिर +4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, -16, यानी कि अंततः क्या मिलेगा, -6, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, शायद इससे कुछ साधारण ही होगा, हम कुछ बढ़ा करके आपके सामने डाले हैं ताकि अभी जो एग्जाम होने वाला है, हो सकता है कि कुछ हार्ड पूछे। चलिए, दिया है कि आकृति में कितने ट्रायंगल है, त्रिभुज का काउंट करना है कि त्रिभुज कैगो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है कि 19, 13, 11 और 15, चलिए यहाँ पे काउंट करते हैं, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, ये साइड से था, इसको काउंट कर लिया। उसके बाद देखिए इसमें आइए, थोड़ा सा इसके लिए ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे किया है और फिर इसको ऐसे किया है, कहने का मतलब कि 1, 2 और ये फिर बड़ा वाला कैग हो गया 3, यानी इसमें मिल गया हमको 1, 2 और 1, 3, ठीक है,
इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखिए एक दो तीन चार गो है, तो यहाँ पर चार लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। इसके लिए हमने लिख दिया तीन, लिख दिया। वही काम देखिए यहाँ भी किया हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, और ये तो एक दो और फिर ये क्या हो जाएगा तीन, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यानी कि एक मिल गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ पे आकर के ऐसे गया, फिर यहाँ पर एक मिल गया, ठीक। उसके बाद देखिए ये यहाँ से इतना और यहाँ पे आ गया कॉर्नर पे, और फिर यहाँ पे ये आ गया, यहाँ भी एक मिल गया। फिर वही काम यहाँ भी किया, यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ पे ले गया, यहाँ भी एक मिल गया, मिल गया। उसके बाद ये देखिए बड़ा वाला, इसके लिए भी एक मिल गया। अब इसको काउंट करते हैं कै गो है, तो चार तीन सात, सात तीन दस, दस एक ग्यारह, बारह तेरह चौदह पंद्रह, आपका क्या रिजल्ट आया, टोटल कै गो इसमें त्रिभुज है, तो पंद्रह को त्रिभुज है। किसी ऑप्शन में दिया है जी, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों, दिया है कि उस आकृति की पहचान करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर के श्रृंखला को पूरा करे। ध्यान दीजिएगा, उस आकृति की पहचान करना है इसमें से ए बी सी डी, ये आपके ऑप्शन में दिया है, इसमें से चूज करके और इसमें पुटअप करना है कि क्या होगा, आखिर यहाँ पर क्या किया है। दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए तो दो तीन चार पाँच, तो क्या होगा छः, यहाँ पे आइए चार छः आठ दस, तो क्या होगा बारह। ये तो क्लियर हो गया कि छः और बारह होगा, छः बारह होगा, छः बारह, छः बारह आठ, ये तो होगा नहीं, सात ये होगा नहीं। चलिए अब रही बात कि ए होगा कि बी होगा, आखिर क्या किया है, तो ध्यान से देखिएगा कि छः बारह और छः बारह तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे अस्सी है, बहत्तर है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए ना, चार दूनी आठ, छतीरी अठारह, आठ चौके बत्तीस, दस पाँचे पचास, तो बारह छक बहत्तर, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो आपका आएगा बहत्तर। किसी ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया था, अस्सी दिया था, ये भी खत्म, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। आते अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 9 तारीख को दिया है कि 18 मई 1976 ईस्वी को कौन सा दिन था, ठीक है, 18 मई 1976 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों इसके लिए राहुल भैया का सुपर डुपर एक ट्रिक है, और पता है ट्रिक क्या है, रिक्वायर्ड डेज इक्वल, क्या होता है कि एल टी डी वाई प्लस सी क्यू प्लस एम सी प्लस डेट, और बटा कर दीजिएगा सात। अब आप सोच रहे हो, देखिए ये क्या है, एक तरह का फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। एल टी डी वाई का मतलब क्या हुआ कि लास्ट का टू डिजिट, यानी कि इसको ले लेना है, ठीक है। चलिए इसको हमने ले लिया यहां पर। उसके बाद सी क्यू, सी क्यू का मतलब होता है कंप्लीट कोसेंट, कंप्लीट कोसेंट यानी कि इसी में हम चार से भागा करेंगे, ठीक है। चार से जब भाग करेंगे तो हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, कंप्लीट कोसेंट से मतलब है, यानी कि भागफल से मतलब है। तो चलिए चार एकम चार कितना आ जाएगा यहाँ पे, तीन, यहाँ पे आ जाएगा छः, चार नवा छत्तीस, ये खत्म। क्या मिला, 19 मिला, इसको यहाँ पे रख दिया, जोड़ दिया, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। उसके बाद दिया है एमसी, एमसी का मतलब होता है मंथ कोड, और आपके सामने मंथ कौन सा दिया है, मई, और मई का कोड क्या होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि पांच, तो यहां पे आ जाएगा पांचवा नंबर पे एक होता है, क्या होता है, एक होता है। देखिए ना, जनवरी फिर फरवरी मार्च अप्रैल फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो क्या होता है यहाँ पर, जनवरी के लिए जीरो, फिर तीन तीन छः, फिर होता है एक चार छः दो, फिर होता है पाँच, फिर जीरो, फिर तीन, फिर पाँच, ये होता है कोड। दोस्तों आप इसको जिसे मोबाइल का नंबर होता है ना, उस हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे मोबाइल का नंबर लोग याद करते हैं, उसी तरह से आप इसको रट भी सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, मई, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई क्या है, एक, एक लिख दिया एम सी, और प्लस में क्या दिया, डेट, डेट कितना है, अट्ठारह, यहाँ पर अट्ठारह लिख दिया, और बट्टे में कर दिया सात, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा,
तो 8, 1, 9, 9, 18 और 6, 24 की 4 और फिर हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 1, 4, 7 यानी कि 114/7। चलिए इसको भाग देते हैं, इसमें 7 से इसमें भाग दिया, ठीक है। तो 7 × 7 क्या मिल जाएगा जी यहाँ पे, तो 4, 4 और फिर 7×6 = 42। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या था कि जब इसमें हमने कंप्लीट कोशेंट में यानी कि इसमें कंप्लीट कोशेंट निकालना था, 4 से भागा दिया तो भागफल से मतलब था, लेकिन यहां पर जैसे ही 7 से भाग करेंगे तो यहां पर भागफल से हमको कोई मतलब नहीं है, यहां पर हमको मतलब है रिमाइंडर से। और रिमाइंडर में क्या मिला, रिमाइंडर में मिला 2। और 2 कहने का मतलब कि अब आ जाएंगे आपके सामने जो होता है ना संडे मंडे ट्यूजडे, ठीक है, इस हिसाब से। तो संडे के लिए क्या होता है 0, मंडे के लिए 1, ट्यूजडे के लिए 2, तो क्या आया था रिमाइंडर में 2, यानी कि कौन सा दिन था मंगलवार। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर कि 18 मई 1976 ईस्वी को मंगलवार था, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पर। आइए मेरे साथियों, दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, लिखा है कि PUZKR से बना रहा है TPFDZ, तो KRTOD से क्या बनाएगा, यहाँ पर आखिर क्या किया। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना कि सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं कि क्या क्या नंबर पे आता है। चलिए तो पी आ जाएगा कितना पे, 16 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, ये 26 नंबर पे, के 11 नंबर पे और आर आ जाएगा 18 नंबर पे। इसको देखिए, इस तरह के सवाल बनाने के लिए आपको नंबरिंग जरूर याद होना चाहिए, ए से लेकर के जेड तक, कि मतलब कौन कितने नंबर पे आ रहा है। ये आएगा 20 पे, 16 पे, ये आ जाएगा 6, 4, 26 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये आ जाएगा कै नंबर पे, 11, 18, 20, 15 और 4। चलिए नंबरिंग कर दिया। अब यहां पर देखिए कि कर क्या रहा है, यहां पर 16 से 20, एक काम करते हैं इसको लिखते हैं यहां पर, ठीक है, इसको लिखते हैं यहां पर, यानी कि 20 को लिख दिया यहां, 16 को लिख दिया इसके नीचे, फिर 6 को लिख दिया इसके नीचे, 4 को लिख दिया इसके नीचे और 26 को लिख दिया इसके नीचे। कहने का मतलब कि TPFDZ, ठीक है। अब देखिए तो 16 से 20 हो रहा है यानी कि कहीं ना कहीं जुड़ रहा है +4, 21 से 16 हो रहा है यानी कि घटा रहा है -5, ठीक है। फिर यहां पे देखिए 26 से 6 हो रहा है यानी कि यहां भी जुड़ रहा है +6, क्योंकि 26 के बाद में क्या होता है, फिर 1, 2, 3 ऐसे आता है ना ABCD में। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 11 से 4 यानी कि यहाँ पे घटा रहा है 7, फिर 18 से ये यानी कि यहाँ पर जुड़ रहा है 8। आपको कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए तो 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि सीरीज मिल गया। अंतर क्या है कि एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से ये बढ़ रहा है। तो इसको यहाँ से उठाइए, इसको यहाँ से उठाइए और यहां पर लाकर के पुट कर दीजिए, +4 यहां पे आ गया +4, ठीक है, -5 इसके सामने आ गया, +6 इसके साथ आ गया, -7 इसके सामने आ गया और +8 इसके सामने आ गया, बस हो गया। अब इसको जोड़िए तो 11 और 4 क्या मिल जाएगा 15 और 15 के लिए क्या लिखते हैं ओ। देखिए 18 में से 5 गया तो क्या मिल जाएगा 13 और 13 के लिए क्या लिखते हैं M। अच्छा 26 और 26 के लिए लिखते हैं Z। 15 में से 7 गया तो मिल गया 8 और 8 के लिए क्या लिखते हैं H। और ये देखिए 8 और 4 हो जाएगा 12 और 12 के लिए लिखते हैं L। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा OMZHL, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों ये सवाल को दिया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों ये जो सवाल है ये आपके SSC BSF और SI के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। दोस्तों सवाल को देख करके इसको सिंपल में मत लीजिएगा, क्योंकि ये देखने में तो लग रहा है कि वो बन जाएगा लेकिन आपका दिमाग हिला देगा। आखिर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या किया है,
थोड़ा दिमाग लगाइए, 36 है 25 है, अच्छा 36 6 का स्क्वायर हो सकता है, 25 5 का स्क्वायर हो सकता है, बाकी तो कहीं स्क्वायर दिख ही नहीं रहा जी, 27 ओ ये तो क्यूब में आ गया, 3 का क्यूब, तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर क्यूब दिखाई दिया, बाकी तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया, तब क्या किया है? चले कुछ अंतर उंतर देखते हैं कि अंतर में कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा एक चीज देखिए, यहां से 27 से 30 किया, 27 से 30 किया, ध्यान से देखिएगा, 27 से 30 किया तो इसमें प्लस 3 यानी कि जोड़ा है, ठीक है। फिर ये देखिए एक छोड़ करके 30 से 33 किया यानी यहां भी प्लस 3 किया है, जोड़ा है। फिर एक छोड़ करके 33 से 36 किया यानी कि यहां भी प्लस 3 किया, यहां पर तो एक सेट हो गया अब, ठीक है 36 तक आ गए। फिर वही काम करते हैं अब, एक इस यहां से आते हैं, ठीक है, कि 25 से 23 किया तो क्या किया, माइनस 2 किया, हाँ। फिर वही काम 23 से 21 पे आए तो यहां भी माइनस 2, फिर 21 से जब इसमें जाएंगे एक छोड़ करके जाना है तो माइनस 2, तो 21 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा, 19 मिलेगा, कहीं दिखाई दे रहा है आपके ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर दोस्तों, इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। इसको देखिए बनाने के लिए क्या करते हैं कि आराम से ये जो ऑप्शन दिया रहता है ना, इसमें से इसको बारी बारी से यहाँ पर पुट अप करते हैं, देखते हैं कि क्या कोई सीरीज बनता है। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर ए, क्या लेते हैं, ए ऑप्शन लेते हैं, और देखिए बी सी ए ए सी है, बी सी ए ए सी हमने भी रख दिया, बी सी ए ए सी रख दिया। अब देखते हैं कि क्या कोई सीरीज बन रहा है, तो क्या होगा, बी बी सी सी बी बी सी सी, फिर बी ए ए ए नहीं बन रहा है, कोई सीरीज नहीं बन रहा है, ये उल्टा फुल्टा आ रहा है, यानी कि ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, कोई ना कोई सीरीज बनना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, सी बी ए सी ए, ठीक है सी, फिर उसका अंदर बी, फिर ए सी ए, चलिए इसको थोड़ा लिख करके देखते हैं, सी बी सी बी सी बी सी बी, फिर बी, फिर ए ए ए, फिर सी सी बी, फिर सी ए बी सी ए बी ए, क्या कोई सीरीज बन रहा है जी यहाँ पे, सी बी सी बी बी, फिर ए ए ए, फिर सी सी, नहीं बन रहा है, यहाँ भी कोई सीरीज नहीं बन रहा है, ठीक है। जब यहाँ भी नहीं बन रहा है तो इसको भी हम नहीं लेंगे। देखिए इस तरह के सवाल में थोड़ा तो मेहनत लगेगा, इसको मतलब कि रख रख करके देखना पड़ता है, ठीक है, रखते हैं। आते हैं इस पर, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, बोल रहा है कि ए, तो ए रख दिया, फिर सी सी बी बी रख दिया, फिर ए ए रख दिया, फिर सी, देखते हैं यहाँ पे तो क्या बन रहा है, ए फिर बी सी ए बी सी, फिर सी फिर बी फिर ए ए बी, यहाँ तक आ गए, फिर सी सी बी सी सी बी, फिर ए बी सी ए बी सी, फिर सी बी ए सी बी ए, यहाँ पर कोई बन रहा है, देखिए तो ए बी सी सी बी, ठीक है, ए ए बी सी सी बी, फिर ए, यहाँ पर कोई मिस्टेक विस्टेक है क्या जी, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, तो ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी, एक पार्ट इसको ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए बी, अच्छा 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 अच्छा, हाँ देखिए बन गया यहाँ पे ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी करके, और यहाँ पर इसको ऐसे कर रहा है, फिर ए बी, ठीक है ए ए बी सी सी बी, फिर यहाँ पे ऐसे कर रहा है, यानी कि यही सीरीज जा रहा है, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी ही होगी, और यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी एसएससी सीजीएल का, तो प्लीज़ देख करके जाइएगा, और जो भी दोस्त आपके एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त, थैंक यू, धन्यवाद।